दोस्तों आज की जो वीडियो है स्पेशल उन अकाउंटेंट लोगों के लिए जिन्होंने पहली बार किसी कंपनी की टैक्स ऑडिट करवानी है या फिर पहली बार किसी कंपनी की वो GSTR 9 या 9C फाइल करवाएंगे। तो दोस्तों टैक्स ऑडिट यानी कि इनकम टैक्स ऑडिट की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है और GSTR 9 9C की वो दिसंबर मंथ में है। तो यानी कि अब ज़्यादातर अकाउंटेंट लोग क्या हो जाएंगे, टैक्स ऑडिट के लिए बिजी हो जाएंगे और GSTR 9C को वो इग्नोर अभी इसलिए कर देंगे क्योंकि वो सोचेंगे भी इसका टाइम पीरियड हमारा दिसंबर मंथ में आएगा तो हमें इसको बाद में देख लेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा गलती जो फ्रेशर अकाउंटेंट है यानी कि जिन्होंने पहली बार किसी कंपनी की टैक्स ऑडिट करवानी है तो वो लोग सबसे ज़्यादा गलतियाँ करेंगे। लेकिन हमें टैक्स ऑडिट से पहले GSTR 9C का रिकॉर्ड आज ही हमें तैयार करके रखना पड़ेगा इनकम टैक्स की ऑडिट करवाने से पहले। पहले करवाने से हमें क्या बेनिफिट होगा और नहीं अगर हम तैयारी करेंगे GSTR 9C को अगर हम नहीं संभालेंगे टैक्स ऑडिट से पहले तो हमें कितना नुकसान होगा, सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से करके बताऊंगा भी हमें कौन कौन सी बातें हैं जो टैक्स ऑडिट से पहले और GSTR 9C फाइल करने से पहले हमें ध्यान में रखनी जरूरी है। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो को आपको एंड तक कंप्लीट देखना होगा जिससे कि आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आपका टैक्स ऑडिट का डाटा और GSTR 9C का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल एक्यूरेट जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं भी हमें मिलान किस चीज़ का करना है, कौन कौन से डाटा का रिकॉर्ड हमें तैयार करके रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलर किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बात नहीं करने वाले हैं और नहीं हम किसी पर्टिकुलर एंट्री की बात करने वाले हैं। हम केवल बात करेंगे भी जो हमने पूरा साल का यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 तक जितना भी हमने सेल परचेज का जो रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया है उस रिकॉर्ड को एक बार दोबारा हमें रिविज़न करने की ज़रूरत है। अब हमें तैयारी किस तरीके से करनी पड़ेगी, अब तैयारी हमें GSTR कि अगर हम तैयारी आज ही कर लेंगे तो हमें टैक्स ऑडिट में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अब हमारा पोर्टल के ऊपर GSTR जो 9 है वो ऑटोमेटिक अब अपलोड हो चुका है, आप उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए। अब डाउनलोड करने के बाद होगा क्या, सबसे पहले तो आपको जहाँ से भी आपने जिस टैक्स प्रोफेशनल से CA से एडवोकेट से जहाँ से भी आपने अपनी GST रिटर्न आप फाइल करवाते हो तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है भी आप वहाँ पर इस बात को चेक कर लें भी आपका प्रेजेंट टाइम के अंदर GSTR 1 और GSTR 3 भी के अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है क्या। अगर आ रहा है क्योंकि लास्ट चांस होता है सेप्टेम्बर मंथ का, यानी कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर कोई ITC अगर आपका कोई लेने से रह गया हो या फिर आपकी कोई सेल कम ज़्यादा हो गई है तो आप सितंबर तक आप इसको अपडेट करवा सकते हो क्योंकि GSTR की अगर रिटर्न हम बात करेंगे 9-9C की तो दिसंबर मंथ में होगी, तब तक हमारा सितंबर मंथ जा चुका होगा जिससे कि हमारा ITC अगर हमें लेना होगा तो वो हमारा मिस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा भी जो आपने GSTR 1 फाइल करवाई थी और GSTR 3 भी जो आपने फाइल करवाई थी चाहे वो मंथली है चाहे वो क्वार्टरली है, तो सबसे पहले आपको अपने CA से या एडवोकेट से जहाँ से आपका फाइल होता है उसको ये कंपेरिजन सीट आपको इस तरीके से मंगवा लेनी है। अब इसमें होगा क्या, इसके अंदर टोटल आपने जितनी सेल दी हुई है और जितना आपने ITC 3B के अंदर क्लेम किया हुआ है, कितना आपने रिवर्सल किया हुआ है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड आपका आ जाएगा और वहाँ से आपको इस बात का भी पता चल जाएगा भी आपके GSTR 1 की सेल और GSTR 3B की जो सेल है वो प्रॉपर मैच हो रही है। अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की तो उसके बाद में हमारी क्या बात आती है भी हमारा भी GSTR 1 और 3B जो हम फाइल कर चुके हैं पूरे साल का वर्सेस बुक्स 1 और 3B की, यानी कि अब कई बार ऐसा होता है भी मान लीजिए हमने GSTR 1 रिटर्न फाइल कर दी या 3B फाइल कर दी लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि हमारा कोई लास्ट मंथ का परचेज इनवॉइस था वो हमने बाद में इंटर कर दिया लेकिन नेक्स्ट मंथ के अंदर उसका ITC हमने लेना ही भूल गए। तो अब आप करोगे क्या, सॉफ्टवेयर आपके पास कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा भी एक बार चाहे आप जैसे कि टेली सॉफ्टवेयर में मैं यूज़ कर रहा हूँ तो स्टेचरी रिपोर्ट पे जाऊँगा मैं और GST रिपोर्ट पे जाऊँगा GSTR 3B को ओपन कर लूँगा, पूरे साल का डाटा एक बार आपको ओपन करना है क्योंकि आपको एनुअली रिटर्न हम तैयार कर रहे हैं तो आपको
यहाँ से पूरा डिटेल के साथ देख लेने भी आपका अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर बुक्स के अंदर ITC क्या आ रहा है, यानी कि चार नंबर कॉलम आपको देख लेना है भी जितना ITC अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर आज की डेट के अंदर आपका बुक्स के अंदर आ रहा है उतना आपका 3B के ITC के अंदर आपने उतना लिया उतना ही आ रहा है या वहाँ पर कम ज़्यादा हो गया है। अब कम ज़्यादा होने का कारण क्या हो सकता है, मान लीजिए कुछ ऐसा परचेज का इनवॉइस जो आपने रिटर्न फाइल करने के बाद में एंट्री करी हो, या फिर कुछ ऐसे क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो आपने बाद में आपको कंपनी की तरफ से मिले एंट्री आपने बाद में करी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम पार्टियों के स्टेटमेंट मिलान करते हैं तब हमें पता चलता है भी इनवॉइस तो हमने एंट्री कर दी बट उनके जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट थे उनकी एंट्री हमारे करने से रह गई और वो एंट्री हम बाद में कर देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा आपका ITC है वो रिवर्स होगा। तो आपके बुक्स में तो रिवर्स हो गया क्योंकि एंट्री आपने बुक्स के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर कर दी बट वो डाटा आपका 3B के अंदर अपडेट नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा आपको सारा का सारा मिलान हो जाएगा। दूसरा, अब मान लीजिए आपके बुक्स के अंदर ITC कम आ रहा है और आपका पोर्टल पे आपने 2A मिलान करवाया तो वहाँ पे आपका ITC ज़्यादा आ रहा है, यानी कि अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, यानी कि 2A ITC वर्सेस 3B ITC की, यानी कि अब मान लीजिए हमने पूरा साल का जो 2A यानी कि ऑटो पॉपुलेटेड जो हमारा 2A डाउनलोड होता है वो हमने डाउनलोड किया। अब डाउनलोड करने से हुआ क्या भी हमने टोटल ITC हमारा टैक्स की कैलकुलेशन कर ली IGST की CGST की SGST की और इसी CGST SGST और IGST को हमने हमारे सॉफ्टवेयर के साथ मिलान किया, तो अब हम हुआ क्या भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ITC कम आ रहा है और 2A के पोर्टल पे ज़्यादा आ रहा है। अब ज़्यादा आने का रीज़न क्या हो सकता है भी मान लीजिए कुछ ऐसा पार्टी का इनवॉइस था जो आपने बुक्स में अभी तक उसकी एंट्री नहीं करी और वो बाद में पता चला भी ये ट्रांजैक्शन आपके साथ हुई है, तो आपको 2A देखने के बाद आपको पता चल सकता है भी ये आपका वाउच यानी कि जो परचेज इनवॉइस है वो मिस हो गया है, तो उसकी एंट्री भी आपको कर सकते हो। तो इससे क्या होगा भी आपका जो परचेज का रिकॉर्ड है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर परचेज है जो वापस बढ़ जाएगी, टैक्स है जो बढ़ जाएगा। अगर आपको वो टैक्स बढ़ेगा तो अब हम सितंबर मंथ के अंदर उसका सितंबर महीने तक यानी कि उसका ITC हम क्लेम है जो कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें इस बात का मिलेगा। तो यानी कि कुछ एक ऐसे पॉइंट है, उसके बाद में GST टैक्स की अमाउंट, तो यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर हमारा 3B के साथ और जो 3B हमने फाइल करी है और उस 3B के अंदर जितना हमारा आउटपुट टैक्स बनता है GST R1 हमने फाइल करी है उसका जितना आउटपुट टैक्स बनता है वो बिल्कुल मैच है और वो जो टैक्स हमने फाइल कर चुके हैं उस टैक्स का मिलान हमारी 3B के साथ भी हम मैच कर लेंगे भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर टोटल टैक्स कितना आ रहा है वो सारा रिकॉर्ड हम देख सकते हैं। अब इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए कुछ आपका टैक्स के अमाउंट का डिफरेंस आ सकता है तो वो भी हम 3B के अंदर एडजस्टमेंट उसका अमेंडमेंट उसका करवा सकते हैं। और साथ के साथ क्या होगा, अभी हम GSTR जो 9 अब ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट हो चुकी है उसको हम एक बार डाउनलोड कर लेंगे। अब उसमें होगा क्या भी हमारी जो टोटल B2B की जो सेल थी या B2C की जो सेल थी वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही, गलती क्या मान लो कोई इनवॉइस गलती से कोई डिलीट नहीं हो गया हो, किसी वाउचर के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी हो, कोई टैक्स रेट के अंदर कोई डिफरेंस ना आ गया हो, टैक्स के अमाउंट के अंदर कोई डिफरेंस ना आ गया हो, तो यानी कि इस टाइप का डिफरेंस हम सॉफ्टवेयर के साथ मिलान कर सकते हैं। अब इससे सबसे बड़ा बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, मान लीजिए आपका 2A है, 2A आपने मिलान किया, 2A के पोर्टल पे आपका टैक्स ज़्यादा आ रहा है, बुक्स में कम आ रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई वाउचर यानी कि प्रत्येक दिन वो हिसाब से मिस हो गया। अब मान लीजिए कोई बार ऐसा भी 2A पे आ जाता है जो आपका एक्चुअल में है ही नहीं, या फिर ऐसा आपका ITC 2A के ऊपर आपका शो करने लग जाता है जिसका ITC आप लेना ही नहीं चाहते, जैसे मान लीजिए कोई एक्सपेंसेस का हो गया या फिर किसी बैंक चार्जेस के सर्विस के रूप में हो गया जो आप जिसके आप जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको पता चल सकता है भी हमारा ITC है जो एक्सेस इसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि अगर आप ITC आपका एक्सेस आ रहा है तो उसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम GSTR 9C फाइल करेंगे तो वहाँ पर हमें इसका रीज़न भी अलग से डिटेल हमें बना के रखेंगे, तो हमारा जो ITC का रिकंसलेशन है वो प्रॉपर सही तरीके से हो जाएगा। तो यानी कि कहने की मेन बात यही होगी भी हमें टैक्स ऑडिट कराने से पहले एक बार GSTR 9 के डाटा को हम जरूर वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने टैक्स ऑडिट करवा ली और उसके बाद में आपको पता चला भी आपका कुछ परचेज इनवॉइस है जो गलती से रह गया या फिर आपने कुछ ऐसा ITC है जो मिस कर दिया जिसके लिए आप एलिजिबल थे, तो वो आप बाद में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्स ऑडिट होने के बाद में क्या होगा आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेंज नहीं कर सकते। अभी आपके पास मौका है
कुछ चेंजिंग करनी है, कुछ आपने इनवॉइस कम करना है, गलती से आपने बुक्स में एंट्री दो बार कर दी हो तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, नहीं करी है तो आप 2A को देख के पार्टी की स्टेटमेंट दिखा के आप मेतान कर सकते हो। उसके बाद में आप अपने पार्टी से उसका क्रेडिट नोट डेबिट नोट की एंट्री आपसे कोई मिस हो गई हो तो आप उसको देख के 2A से भी आप एंट्रियाँ कर सकते हो। तो यानी कि काफ़ी हद तक हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो सही तरीके से मेंटेन हो जाएगी। अब उसके बाद में जब मैं GSTR 9 को देखेंगे तो आपकी B2B की सेल, B2C की सेल, टोटल आपकी एग्जम्प्ट की सेल, कोई RCM है या ऐसा कोई इनपुट्स आपने जो पहले ले लिया था बाद में उसकी एंट्री आपने डिलीट कर दी हो तो उस टाइप का अगर बुक्स में तो एंट्री डिलीट होगी, लेकिन 3B के अंदर उसका अबेंडमेंट अभी भी करना बाकी है तो वो भी आप सितंबर महीने तक आप करवा सकते हो। तो यानी कि बहुत कुछ अभी तक हमारे हाथ के अंदर है, लेकिन टैक्स ऑडिट होने के बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप फ्रेशर अकाउंटेंट हो और पहली बार किसी कंपनी की टैक्स ऑडिट करा रहे हो तो आप इन बातों को आप जरूर फॉलो कीजिए। आप अपने GSTR 1, GSTR 3B जो फाइल कर दिए है उनका डिफरेंस आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपने GSTR 1, GSTR 3B फाइल कर चुके हो उसका मिलान एक बार अभी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर आपका GSTR 1 और 3B जो फाइल कर चुके हो उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम अमेंडमेंट कराएंगे, GST की टैक्स की अमाउंट को हम भी वेरीफाई कर लेंगे, और उसके बाद में 2A ITC आपका कितना आ रहा है और आपका बुक्स के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर कितना ITC शो कर रहा है, कोई कम या कोई ज़्यादा हुआ है तो भी हम उसको नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर महीने तक उसका अमेंडमेंट हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।